आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हम सब की जबान पर एक नाम सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है और वो है लॉकडाउन। कोरोना वायरस के आने से पहले शायद ही किसी ने इस वर्ड को इतना सीरियसली लिया होगा, पर अब इससे पीछे छुड़ाना नामुमकिन सा लग रहा है। और आलम तो इतना बुरा हो गया है कि लोग लखनऊ को भी लॉकडाउन पढ़ रहे हैं। #badjoke। और आज की इस वीडियो में आप लॉकडाउन से जुड़े सारे सवालों के बारे में जानोगे, क्योंकि मैं लॉकडाउन से जुड़े बहुत से फैक्ट आपको बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आपके मन में लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर जो सवाल हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि सबको बताया कि फिलहाल लॉकडाउन का 5वां फेज चल रहा है और इससे पहले हमारे पूरे देश में 4 फेज ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। पर क्या लॉकडाउन कभी ना खत्म होने का नाम है? तो ऐसा भी नहीं है। वैसे तो लॉकडाउन ने सबको अपनी पहचान करा ही दी है, पर फिर भी हमारे देश में कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन और कर्फ्यू को एक ही समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसे जानने के लिए हमें इन दोनों की परफेक्ट मीनिंग को देखना होगा। जैसे कि कर्फ्यू की परफेक्ट मीनिंग होती है जब हमारे देश के किसी राज्य को ऐसा लगता है कि हमारे जिले के किसी पर्टिकुलर हिस्से में कोई दंगा, फसाद या आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, तो वहां तुरंत कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू CRPC की धारा 144 के तहत लगाया जाता है। इस कर्फ्यू को जिला मजिस्ट्रेट एक नोटिफिकेशन के जरिए जारी करते हैं। इसमें 4 लोगों से ज्यादा एक साथ एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते। इसका उल्लंघन करने पर 4 महीने की जेल भी हो सकती है। तो वहीं लॉकडाउन की परफेक्ट मीनिंग है कि जब हमारे देश की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि देश में कोई बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर, बीमारी, वायरस या इससे भी कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसकी वजह से देश के सभी नागरिकों को परेशानी हो जाएगी, तो तुरंत ही लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है। इसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। इसमें बनाए गए नियमों को तोड़ने पर सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी। लॉकडाउन पूरे देश में एक समान लागू होता है, पर हालात सुधरने पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए पावर दे सकती है। पर लॉकडाउन की जरूरत तो कोरोना वायरस की वजह से पड़ी, वरना हमारे देश में इससे पहले कभी भी लॉकडाउन नहीं लगा। हाँ, लेकिन कर्फ्यू की जरूरत कई बार पड़ी है, और कभी भी हमारे पूरे देश में 21 दिनों तक या उससे ज्यादा समय के लिए एक साथ बंद कभी नहीं हुआ। और आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि लॉकडाउन में सिर्फ उन्हीं बिजनेस को या सर्विसेज को छूट मिलती है जो जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि राशन की दुकान, मिल्क बूथ, मेडिकल सर्विसेज, पुलिस, फायर फाइटर्स, आर्मी, पेट्रोलियम, LPG और भी ऐसी सर्विसेज पर कई सारी। लेकिन इनके अलावा जो गैर जरूरी सर्विसेज हैं वो सारी बंद रहती हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कोई महामारी अचानक ही इस दुनिया पर आन पड़ी है। कोरोना वायरस तो इसी साल आया है, लेकिन कोरोना वायरस से पहले भी इस दुनिया में 3 महामारी ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी थीं और लाशों के ढेर लगा दिए थे, और हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक लाश को दफना कर आते या फिर जला के आते तब तक 9-10 और मर जाया करते थे। सबसे पहले सन 1720 में फ्रांस कंट्री में मार्सिल नाम की जगह से एक बीमारी शुरू हुई जिसे प्लेग का नाम दिया गया, और इसी महामारी ने फ्रांस और वेस्टर्न यूरोप में 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। दूसरी बार सन 1820 में इंडिया के कोलकाता से एक बीमारी शुरू हुई जिसे कॉलरा का नाम दिया गया, और इस महामारी ने इंडिया समेत बाकी देशों में भी भारी तबाही मचाई, जिसमें एक अनुमान के हिसाब से 87,50,000 लोगों की जानें गई थी। और तीसरी बार सन 1920 में स्पेन कंट्री में एक महामारी फैली जिसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया, और इस स्पेनिश फ्लू ने पिछली महामारियों से भी भयानक नज़ारा दिखाया, क्योंकि इस महामारी की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में एस्टिमेटली 17 मिलियन से 50 मिलियन लोगों की जानें गईं। आपको डराने वाली बात बताता हूँ, 1 मिलियन में 10,00,000 होते हैं और मौतें 50 मिलियन। हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि वो टाइम कैसा रहा होगा कि जब लाशों के पहाड़ लग गए होंगे। एक के बाद एक महामारी के आने से सभी देश अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके थे और वो तेजी से मेडिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ने लगे। दुनिया भर के साइंटिस्ट भविष्य में होने वाली महामारी को ध्यान में रखते हुए दवाओं का निर्माण करने लगे। सन 1920 के बाद से अब तक 100 साल पूरे होने को थे, और हम सब सोच रहे थे कि विज्ञान अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है और शायद ही अब कोई बीमारी आएगी, कि तभी अचानक किस्मत ने करवट बदली। 2019 के दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर होश बाकी ना रहे, और एक बार फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और ये साबित हो गया कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। चाइना के वुहान प्रांत से की नॉनवेज मार्केट से एक वायरस निकला जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया। कोरोना वायरस की महामारी ने इस वीडियो के बन जाने तक इस पूरी दुनिया में 4,00,000 लोगों की जान ली है, जिसमें इंडिया के 5,500 लोग शामिल हैं, और ये मौत का सिलसिला कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इसकी दवाई अभी तक नहीं बन पाई है। अगर आप ये वीडियो 2020 में देख रहे हो तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2025 में या फिर 2030 में देख रहे हो तो दुआ करो कि भविष्य में ऐसी कोई बीमारी ना आए, क्योंकि पहले की 3 महामारियों की तरह ही इस कोरोना वायरस ने भी साल 2020 में बहुत भारी तबाही मचाई थी। और हम सब मिलकर प्रे करें कि आगे से कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम सामने ना आए जिसकी वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन लगाना पड़े। अगर आप पिछले सालों की तुलना लगाएंगे तो उनके मुकाबले जो ये साल है इसके अंदर प्लेन क्रैश, कोरोना वायरस, भूकंप, झटके, सुनामी, तूफान, बाढ़, जाने क्या क्या, इन सबको देखते हुए आप ये बोल सकते हो कि ये साल सदी का सबसे भयानक साल है।
दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड हाँ बी सपोर्ट।